Chef, what you should. हर पल मनाओ केसरी त्योहार विमल बोलो जुबान केसरी। आवाज आई, धमाका हुआ बहुत तगड़ा, जैसे कोई बम पड़ जाता है। थोड़े आगे आया तो मार्केट पे वो नर्स उधर से निकल रही थी बाहर की तरफ, और इधर से दो चार और गए जैसे मैं गया तो मार्केट वाले। हमने कहा नर्सों से क्या हुआ, बोली आग लग गई है। आकर के पीछे को खिड़की तोड़ के फर्स्ट फ्लोर से तब बच्चों को निकाला हॉस्पिटल में, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे थे और जो है इनकी 6 की करीब डेथ हो गई। इसमें बहुत दुखदायक घटना है, करीब 6 ब्लास्ट हुए वहाँ ऐसा बताया गया। कल रात की बात है, 11:32 पे हमें ये करीब कॉल मिली थी कि एक बेबी केयर सेंटर में आ गए। हमने शुरू में 7 टेंडर भेजे थे क्योंकि ये जो क्योंकि हॉस्पिटल जैसी जगह थी। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, 12 बच्चों को निकाला भी गया। वहाँ सेवा दल का एक ग्रुप था, उनके संग निकल के, आपने फोटो में देखा होगा, और बाद में पता लगा कि हॉस्पिटल में क्योंकि बहुत छोटे बच्चे थे और जो है इनकी 6 की करीब डेथ हो गई। इसमें बहुत दुखदायक घटना है। आग इसलिए बढ़ गई कि वहाँ पे ये बताया गया है कि वहाँ पे कुछ ऑक्सीजन के शायद सिलेंडर थे और सिलेंडर थे, उनमें ब्लास्ट हो गया। इसी वजह से आग केयर सेंटर में ना रह के, बेबी केयर सेंटर में ना रह के बगल वाले घर पे भी चली गई थी, और इसीलिए फायर का इतना फास्ट स्प्रेड हुआ। टोटल हम लोगों ने करीब 16 गाड़ियां बाद में भेजी थी क्योंकि बच्चों का मामला था, बगल में घर फेंक रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली जो है 6 बच्चों को नहीं बचाया जा सका। सर, आसपास की क्या आग वहाँ तक पहुँची है या कोई वहाँ पे भी कोई रेस्क्यू करा है या किसी के आता नहीं? रेस्क्यू करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, पर आग पहुँच गई थी ये मैंने बताया क्योंकि ये ब्लास्ट हमें एक्चुअली जो कॉल मिली थी उसमें शुरू में ये बताया था कॉलर ने कि सर यहाँ पे तुरंत ज्यादा गाड़ी भेजिए क्योंकि यहाँ पे ब्लास्ट हो रहे हैं, कुछ सिलेंडर फट रहे हैं, और उसी वजह से आग इतनी तेजी से फैली और पूरी बिल्डिंग, आप अगर फोटोग्राफ में देखा होगा पूरी बिल्डिंग ही ऑलमोस्ट जल गई है, और उसी की वजह से बगल में भी पहुंच गई थी। बगल से लोग, मुझे लगता है क्योंकि आग पहले इसमें लगी थी तब तक निकल गए थे, तो बगल से हमें किसी को रेस्क्यू नहीं करना पड़ा। और ये क्योंकि बहुत छोटे बच्चे थे, आपने फोटोग्राफ में देखा होगा, वेरी वेरी मतलब कहना चाहिए 10-15 दिन वाले बच्चे थे एकदम बेबी, तो ये तो निकल सकते नहीं थे। इनको जैसे ही निकाला गया 6 बच पाए अभी तक और 6 की डेथ हो गई। क्या रेस्क्यू ऑपरेशन या फिर फायर उठा कोई प्रॉब्लम आई, क्योंकि हम जैसे फोटोज देख पा रहे थे कि बहुत मुश्किल से बच्चों को बाहर निकाला गया? देखिए प्रॉब्लम नहीं है भाई, क्योंकि ब्लास्ट की वजह से एक तो हमारे फायर फाइटरों को भी खतरा था, करीब 6 ब्लास्ट हुए वहाँ ऐसा बताया गया, और आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई थी, तो जो डिफिकल्टी एक फायर फाइटिंग करने में होती है अदरवाइज वैसे कोई दिक्कत नहीं थी, बट क्योंकि उसमें जीना भी एक छोटा सा पीछे लोहे का था और आगे भी एक जीना बहुत अच्छा नहीं था, तो बड़ी मुश्किल से हमारे आदमी गए। मतलब इसमें आप देखिए 2 टीमें बनाई गई क्योंकि ब्लास्ट हो रहे थे, तो हमें आग को भी कंटेन करना था और बच्चों को भी बचाना था। तो एक टीम ने, आपने देखा होगा वीडियो में, कि 2 टीम साइड से बिल्डिंग से गई, उन्होंने खिड़की से लोगों को पकड़ पकड़ के बच्चों को निकाला, और एक दूसरी टीम ने फायर फाइट किया। देखिए सुबह मैं मॉर्निंग वॉक पे निकला तो मीडिया के जरिए मुझे जानकारी मिली और मैं वहीं से सीधा यहाँ पे घटनास्थल पे आया। मेरी फायर डिपार्टमेंट के हेड से बात हुई और उन्होंने बताया कि उनका अंदाज़ा है कि शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, और क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर इसके अंदर थे तो ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से ये आग काफ़ी बढ़ गई, और इसके अंदर न्यू बॉर्न बेबीज़ करीब 12 के करीब थे जिनको रेस्क्यू किया गया, मगर बहुत अनफॉर्चुनेट है कि करीब 6 बच्चों की दम घुटने की वजह से इसमें मृत्यु हो गई। एक और बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है।
मेरी सेक्रेटरी हेल्थ से बात नहीं हो पाई है, मैं सुबह से कई बार उनको कॉल किया, वे फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, मगर हमारी तरफ से बहुत साफ है कि इसकी जांच करेंगे, जल्द जांच करेंगे, और जो भी दोषी हैं जिन्होंने इसके अंदर लापरवाही की है या मिलीभगत की है उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी परिवार के अंदर नवजात बच्चा, नव शिशु आए तो पूरे परिवार में उसकी खुशी होती है, उल्लास होता है। ऐसे शिशु का इस तरीके की घटना में गुजर जाना मुझे लगता है परिवार के लिए बहुत बड़ा आघात होता है, और हमारे कोई भी शब्द सहानुभूति जो है उन परिवारों के लिए कम रहेंगी। मगर हम ये कहना चाहते हैं कि हम उन परिवारों के साथ खड़े हैं और इसके अंदर दोषियों के ऊपर ऐसी कार्रवाई करेंगे कि आगे से इस तरीके की घटना करने से पहले, नेग्लिजेंस करने से पहले 1000 बार वो आदमी, वो अफसर सोचेगा। ये हमारी कोशिश है। मेरी DCP को मैंने फ़ोन किया है, अभी बात नहीं हो पाई है। मैं उनसे भी कहूँगा कि जो भी इसके अंदर दोषी हैं, इसके मालिक हैं, जो इस सेंटर को चला रहे थे, उनको तुरंत जो है ढूंढा जाए और उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया जाए। जी बेबी केयर में था। अच्छा। जी तो अब क्या बता रहे हैं, कहाँ एडमिट कराया है उन्होंने? तो इसमें बोला था इसमें तो 5 बच्चे हैं, उसके अलावा और बच्चा नहीं है। फिर 5 सेप हैं, औरों की बताई नहीं, थाने वाले भी नहीं बता रहे और बच्चों को। तो अब कहाँ जाने के लिए कह रहे हैं? अब थाने में जाएंगे, थाने में जाएंगे बूझने के लिए। अच्छा, इसके अलावा आग कैसे लगी कुछ आप लोगों को बताया? फ़ोन नहीं उठाया था, फ़ोन मिलाया, फ़ोन स्विच ऑफ जा रहे थे, पहले एक ने एक पे मिलाया था, वे बाहर बता रहा कि मैं बाहर हूँ, मैं वहाँ पर नहीं हूँ। तो कब से एडमिट कराया था? 20 तारीख को कराया था, शाम 4 बजे। बच्चे के बाद पेरेंट्स वगैरह नहीं था क्या? ये राख हम रहते थे यहाँ पर, मने कर देते कि आप कोई काम नहीं है, जाओ आप यहाँ से। हम कहते थे एक जना है लोग, क्योंकि हम बिलेंसर भर्ती करा था, पर बिलेंसर भी एक परमानेंट रहा, मैं वहाँ पर 3 दिन भर्ती रहा, तो वहाँ पर तो रहने देते, ये रहने नहीं देते। पूरे दिन में 24 घंटे में बस एक बार दिखाते थे। मैं बैठा था ए ब्लॉक मार्केट के पास में, मेरी शॉप है, मैं वहाँ पे बैठा हुआ था, यूट्यूब देख रहा था, तो एकदम आवाज़ आई, धमाका हुआ बहुत तगड़ा, जैसे कोई बम फट जाता है। तो मैंने पहली बार तो इग्नोर कर गया, मैंने कहा कोई बिजली का शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। दूसरी बार फिर आवाज़ आई थोड़ी देर में, फिर मैं उठा वहाँ से, चला थोड़ी दूर पर, तो वहाँ से देखा तो मुझे धुआं दिखाई दिया। फिर मैं आगे चला, मैंने बच्चे से कहा, मैंने कहा देखना जरा, एक मिनट आया, पता नहीं क्या हो गया। थोड़े आगे आया तो मार्केट पे वो नर्स उधर से निकल रही थी बाहर की तरफ, और इधर से 2-4 और गए जैसे मैं गया, तो मार्केट वाले, हमने कहा नर्सों से क्या हुआ, बोली आग लग गई। अरे मैंने कहा कोई अंदर वो तो नहीं है पेशेंट वगैरह, वो बोली बच्चे अंदर, तो मैंने कहा तुम भाग के कहाँ जा रही हो। फिर उनको हमने पकड़ा तो ले गए, पीछे से सी ब्लॉक के नारंग जी वो आ गए, फिर संटी भाई साहब आ गए, उनको कॉल करी, जब भी तुरंत संटी भाई साहब आ गए, उनकी एम्बुलेंस आ गई शहीद भगत सिंह सेवा दल की, आ करके पीछे को खिड़की तोड़ के फर्स्ट फ्लोर से तब बच्चों को निकाला। आपने भी निकाला? हाँ जी, तो 5 बच्चे जो निकाले थे शुरू में वो तो आ गए थे सही जी, और बाकी 4 एक बार निकाले थे, मतलब टोटल 12 बच्चे थे जो निकाले, तो तभी 4ों की तो सीरियस हालत थी, 7 की बता रहे थे वैसे तो, लेकिन 4 में तो कुछ था नहीं। हाँ जी, और बाकी 5 सेफ थे। आग लगने की कुछ वजह कुछ पता चल पाई आपको? वो सिलेंडर थे जी, ऑक्सीजन वाले सिलेंडर, सिलेंडर हमने तो सिलेंडर पड़े देखे, एक सिलेंडर तो उड़ के इतनी तेज गया कि वो ITI कॉलेज है सामने, उसमें जाके गिरा, एक सामने पेड़ से टकरा करके उसकी साइड में रुका रोड के इस पार, और एक कोने से टकरा करके नाली में अंदर बढ़ गया, और एक सिलेंडर मुझे लगता है अंदर ही था।